रमजान का 11 रोजा आप सबको बहुत मुबारक हो। आज हम किचन कहानी में बहुत ही झटपट और जल्दी से बन जाने वाले व्यंजन बनाएंगे और इसके साथ ही एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी हेल्दी सी ड्रिंक भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल बारीक चिकन का कीमा है और बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसे मैंने घर में ही कीमा बनाया है। तो चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक हो और इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। 1.5 पाव कीमा है ये और 1/2 कप मैंने बारीक हरा प्याज चॉप किया हुआ है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हम यूज़ करेंगे। 1 टी स्पून गार्लिक पाउडर है, नमक है, अजीनोमोटो है, ब्लैक पेपर है 1 टी स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और मिक्स करते वक्त हम 2 से 3 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध इस्तेमाल करने से हमारी चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहेगी और फ्राई करने के बाद हार्ड नहीं होगी। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली समोसा पट्टी ली है, उसे मैंने इक्वली स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। देखें इस तरह से, जिस साइज का वॉन्टन्स बनाना चाह रहे हैं उसी साइज की आप शीट की कटिंग करें। फ्रेंड्स, दूध का इस्तेमाल आपने बहुत थोड़ा सा करना है। देखें, एकदम थोड़ा सा आप दूध डालिएगा, ज़्यादा दूध आपने नहीं डालना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब हम जो ये चिकन का बैटर है वो अपने समोसा पट्टी पे रख रहे हैं। 1 बाइट समोसा होता है ये, तो बस उसी हिसाब से आप चिकन का बैटर रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ कोने पर आप देखें इस तरह से आटे की लई लगाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, नॉर्मल वाला आटा है। आप मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आप एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अब इसको टर्न करके अपोजिट साइड से इस तरह से देखें, आप दोनों कॉर्नर्स को होल्ड करेंगे और इस तरह ट्विस्ट करते हुए आप इसे फोल्ड कर देंगे। अब दोनों कॉर्नर्स पर भी हम आटे का पेस्ट लगा देंगे और इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखें इस तरह से घुमाकर और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शेप आ गई है। तो बस इसी तरीके से हमने सारे वंटन्स बनाने हैं। बहुत सारे मैंने बना लिए थे लेकिन फिर कैमरा मेरा ऑफ हो गया था और वीडियो कैप्चर नहीं हुई थी, तो फिर इस वजह से मैंने दोबारा से ये अगेन बैटर बनाया था उसे चिकन का, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी फोल्डिंग दिखा सकूँ। और अब यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इसकी फोल्डिंग का। जो भी आपको इजी लगे या जो भी आपको अच्छा लगता है आप दोनों बना सकते हैं। दोनों तरीके से इसकी पैकिंग की जाती है। तो देखें इस तरह से हम अगेन थोड़ा सा बैटर रखेंगे और एक तरफ से इस तरह से इसको कोन की शेप दे देंगे या फिर आप पान भी कह सकते हैं, जैसे पान की हमारी शेप होती है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर नीचे की जो टेल है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, फिर अगेन इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए पॉकेट स्टाइल का हमारा वंटन बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप ये कर सकते हैं और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जो भी फोल्डिंग आपको इजी लगती है आप वो कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी फोल्डिंग मैंने कर ली है और आप चलिए अब मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ऑयल हमने बहुत गर्म नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे, इसका कलर आ जाएगा, अंदर हमारी चिकन चूँकि कच्ची है तो फिर वो कच्ची रह जाएगी। तो एक तो आपने ऑयल ज़्यादा लेना है जिसमें ये अच्छे से डीप हो जाए, और दूसरा ये कि आपने बहुत स्लो आँच पर इसे पकाना है और ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए गोल्डन सा और ये चिकन जो है हमारे अंदर से कच्ची ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और सारे वंटन्स को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, आपने कितनी इजी और झटपट वाली रेसिपी है, इतनी जल्दी हमारे इतने सारे वंटन्स रेडी हो जाएंगे। इसे आप मायोनीज के साथ, केचप के साथ या घर की बनी हुई चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं, थोड़ा सा रोल और समोसे से हटके हो जाता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब जल्दी से हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। इसके लिए मैंने पुदीना लिया है, फ्रेश पुदीना है, 2 बंच लेंगे हम। इसे साफ़ कर लें, अच्छे से धो लें। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के लेमन जूस लिए हैं मैंने, मतलब 4 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस इसमें मैंने डाला है। 4 टेबल स्पून हम शुगर लेंगे। इसके अलावा काला नमक चाहिएगा हमें 1/2 टी स्पून। 1 टी स्पून हम नॉर्मल नमक डालेंगे। 2 7-Up की 500 ml की बॉटल आप ले लें, वो इसमें डालें, मिक्सर में मिक्स ग्राइंड कर लें, आइस डालें, अगेन ग्राइंड करें और ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक रेडी है। रोज़े में, गर्मी में इस ड्रिंक को आप इफ्तार में ज़रूर बनाएं, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी ताज़ा दम कर देगा, सारी थकान को दूर
कर देगा। तो आज की मेरी दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर में दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।